श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मेरे सामने, ठीक सामने विद्यार्थी, दाएं बाएं और लोग भी बहुत पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा का एक फल होता है अज्ञान की निवृत्ति और विवेक का जागरण। अज्ञान की निवृत्ति, आदमी जानता नहीं है और पढ़ाई करता है, बहुत सारी बातें जान लेता है, अज्ञान मिटता है। यह तो नहीं है कि जो नहीं पढ़ते वे नहीं जानते, बहुत सारी बातें वे लोग जानते हैं, किंतु कुछ बातें पढ़ाई के द्वारा जान लेते हैं। और पढ़ाई एक बड़ा साधन है, शिक्षा, जिससे अज्ञान मिटता है। अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान तो मिट गया किंतु कोरी निवृत्ति से काम नहीं चलता। दो शब्द है हमारे जो जीवन को चलाने वाले हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति करना, प्रवृत्ति करना, जिसे आचार शास्त्र में कहा जाता है विधि और निषेध। विधि और निषेध, विधि कर्तव्य का निर्धारण करना और निषेध कर्तव्य को छोड़ना। विधि और निषेध, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो निवृत्ति के बिना काम नहीं चलता, अच्छा नहीं होता, तो प्रवृत्ति के बिना कार्य चलता भी नहीं है, इसलिए प्रवृत्ति भी जरूरी है। तो शिक्षा से एक काम हुआ कि अज्ञान मिटा, अज्ञान की तो निवृत्ति हो गई। अब रहा प्रवृत्ति का प्रश्न, आदमी प्रवृत्ति कैसे करे, पढ़ा लिखा आदमी भी प्रवृत्ति कैसे करे। यह प्रश्न अनपढ़ के सामने ही नहीं, पढ़े लिखे आदमी के सामने भी प्रश्न है कि वह क्या करे, प्रवृत्ति कैसी करे, कैसे करे। दोनों बातें, कैसी करे और कैसे करे, ये विवेक है, इसका नाम है विवेक। दर्शन शास्त्र या प्रमाण शास्त्र में यह माना जाता है कि ज्ञान का फल क्या है। एक तो अज्ञान की निवृत्ति है, और फिर हेयोपादेय विवेक, हे और उपादेय का विवेक, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। हजारों चिंतन इसके बन सकते हैं, क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। यह सारा विवेक, जिसे हंस मनीषा कहते हैं, यह हंस मनीषा है, ये विवेक है। विवेक करना आदमी का काम है, विवेक करें। तो अब विवेक का प्रश्न है कि शिक्षा के द्वारा दोनों बातें होनी चाहिए, कि अज्ञान भी मिटे और विवेक की चेतना जागृत हो। चरित्र का संबंध विवेक के साथ है, अज्ञान मिटना पृष्ठभूमि बन गई, चरित्र की पृष्ठभूमि बन सकती है, और आजीविका यानी जीवन चलाने की पृष्ठभूमि भी बन सकती है, पर चरित्र का संबंध इससे आगे है। और चरित्र का संबंध संयम के साथ है, संयम। अणुव्रत का एक घोष है, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। आचार्य तुलसी ने चरित्र के लिए एक आचार संहिता बनाई,
और उसका नाम रखा अणुव्रत। अणुव्रत एक व्रत है आचार की संहिता, चरित्र की संहिता, कि मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो चरित्र का मूल आधार बनता है संयम। संयम आज की हमारी शिक्षा की कमी यह है कि ज्ञान तो कराया जाता है किंतु संयम का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। संयम करना चाहिए। हमारे शरीर में व्यवस्था है संयम की। एक आदमी भोजन करने बैठता है और भोजन करते करते कहता है बस अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, ये क्या है? संयम है। भीतर का जो हमारा तंत्र है, पाचन तंत्र, लीवर आदि सारी जो तंत्र है, वह कहता बस अब जरूरत नहीं, जितनी आवश्यकता थी पूरा हो गया, अब नहीं है। तो आदमी चुलू करता है, हाथ धो लेता है। संयम है सहज का। एक आदमी गुस्सा करता है तो हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा तंत्र है, वह कहता नहीं इतना गुस्सा मत करो, रोकता है उसको। बाहर से कोई नहीं रोकता, वह तंत्र रोकता है कि इतना गुस्सा मत करो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, अभी इतना मत करो। भीतर में रोकता है। एक भीतर में हमारे शरीर में पूरा संयम का तंत्र है जो हर काम करने से रोकता है, एक तंत्र है। तो बाहर में भी हमें सीमा बोध होना चाहिए। आज की समस्या, हिंसा की समस्या इसीलिए बढ़ रही है कि संयम नहीं है, सीमाकरण नहीं है। आदमी सीमा करना जानता ही नहीं। एक वक्त ऐसा बना कि राजा सवारी करने जा रहा था, घूमने यात्रा करने जा रहा था। राजा की सवारी निकली और देखा कि राजा जिस रथ पर बैठा था वहां 2000 रुपये की थैली आकर गिरी। राजा ने देखा और पूछा किसने डाला ये? तो अधिकारी बोले कि उस आदमी ने जो जा रहा है उसने डाला, बुलाओ। उसको बुलाया, बुलाकर पूछा कि तुमने ये रुपये क्यों डाले? कि महाराज मेरे पास काफी है, इतना ज्यादा था 2000, मैं इसलिए छोड़ना चाहता था, किसी को देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको दे दी। राजा बोला किसी गरीब आदमी को देते तो अच्छा होता, मेरे पास तो पहले ही बहुत है और मुझे देने से क्या लाभ? जब बोला महाराज मेरी गरीब की परिभाषा अलग है, मैंने तो आपको गरीब समझकर ही दिया, मेरी परिभाषा अलग है, आपकी परिभाषा अलग है। आप तो उसको गरीब कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, उसको गरीब कहते हैं। मैं उसको गरीब मानता हूं कि जिसके पास बहुत होने पर भी तृप्त नहीं होता, धाप आती नहीं है कभी, उसको गरीब मानता हूं। तो मेरी परिभाषा में ये भिखारी खरा नहीं उतरता, मेरी परिभाषा में तो आप ही खड़े उतरते, इसलिए मैंने आपको दे दिया गरीब समझकर। आपसे बड़ा गरीब और कौन होगा जो इतना पाने पर भी कभी तृप्त नहीं होते, लाओ लाओ की बात चलती रहती है। और जिसमें लाओ लाओ की बात होती है वह सीमा को कभी समझता भी नहीं, कहीं तो रोक, कहीं तो ब्रेक लगाना चाहिए, कहीं तो गत्यवरोधक बनाना चाहिए, वह समझता भी नहीं, जानता भी नहीं। जो लाओ की भाषा समझता है वह ब्रेक लगाना नहीं जान सकता। कुछ एक बार ऐसा ही प्रसंग बना कि एक आदमी बड़ा लोभी था, पास में बहुत धन पर बहुत बुराई के साथ धन का अर्जन करता, धन का अर्जन करता ही रहता, बुराई करता ही रहता। एक बार का प्रसंग बना कि वह जा रहा था, थोड़ा सा अंधेरा था, प्रभात का समय था, सूरज उगा नहीं था और सूरज की रश्मियां पूरी फैली नहीं थी, पूरा प्रकाश नहीं हुआ। तो एक गड्ढा आया बहुत गहरा, उसमें गिर गया। अब लोग इकट्ठे हो गए, आपत्ति काल में प्राय लोग सहयोग करने इकट्ठे हो जाते, लोग इकट्ठे हुए
टू। लोग बोले, अरे भैया नीचे गिर गया हो, थोड़ा खड्डा गहरा है, हाथ लाओ लाओ लाओ। हाथ ऊंचा नहीं कर रहा, क्योंकि लाओ की भाषा समझता ही नहीं। लोग परेशान हो गए, क्या बात है, इतना बेवकूफ, हम तो कहें हाथ ऊंचा करो निकाल ले, हाथ ऊंचा नहीं कर रहा है। संयोग की बात, उसका पड़ोसी भी उधर से आया, देखा और देखा क्या बात है भैया, कि एक आदमी गिर गया, अपन बड़ा विचित्र है, हम निकालना चाहते हैं, कहते लाओ लाओ, हाथ ऊंचा नहीं कर रहा है। उसने झांक कर देखा, देखा और देखा तो ये मेरा ही पड़ोसी है। तब बोला कि तुम इसकी बात को नहीं जानते, मैं जानता हूं, लो अभी निकाल देता हूं। तो कैसे निकाल दोगे, कितनी बार कहा, सुनता ही नहीं है, कि देखो एक मिनट में करता हूं। वह गया और जाकर नीचे हाथ झुका और कहा लो लो, हाथ ऊंचा कर। जो लाओ की भाषा को समझता है वह सीमा करना नहीं जानता, उसे सीमा का बोध ही नहीं होता, सीमा का मूल्य ही नहीं जानता, कि सीमा का कितना मूल्य, संयम का कितना मूल्य है, वह संयम का मूल्य ही नहीं जानता। और संयम का मूल्य नहीं जानने का ही परिणाम है कि आज हिंसा बढ़ रही है। हिंसा बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है पदार्थ और पदार्थ का उपभोग। इतने पदार्थ दुनिया में हो गए और उन पदार्थों के उपभोग की इतनी आकांक्षा बढ़ गई कि कहीं संयम बोध नहीं, सीमा का बोध नहीं है। दो चार पांच वस्तुएं खाकर आदमी अच्छा जीवन चला सकता है, उस जगह 50 वस्तुएं बनाई तो इसका मतलब यह है कि संयम का बोध नहीं, और इधर बीमारी को निमंत्रण और बीमारी के लिए अनुरोध है, उसको निमंत्रण है। जब तक ये सीमाकरण की बात समझ में नहीं आती कि सीमा करनी चाहिए, बोलने की सीमा, सोचने की भी एक सीमा, सोचने की भी सीमा होनी चाहिए, कि निरंतर सोचता न रहे, निरंतर बोलता भी न रहे, निरंतर खाता भी न रहे। आज का आदमी शायद ज्यादा खाता है, खाने की सीमा नहीं है, भोजन की थाली पर बैठकर खाता उतना ही नहीं, पता नहीं बाद में भी कितना खाता है। छोटे छोटे बच्चे भी इतनी टॉफी खाने लग जाते हैं जिससे दांत भी खराब हो जाते हैं और आंतें भी खराब होती, और फिर दवाई लेने का और चक्कर हो जाता है। प्रारंभ से ही शिक्षा के साथ यह सीमाकरण का बोध कराया जाए, यह संयम का पाठ पढ़ाया जाए, तो उधर तो मस्तिष्क का विकास होगा और उधर चरित्र का विकास होगा। दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। कोरा अज्ञान मिटना, कोरी शिक्षा पढ़ाई करना, यह जीवन के लिए पूरी बात नहीं, अधूरी बात है। पूरी बात तो तब होती है कि जब ज्ञान भी बढ़ता है और साथ साथ में शील भी बढ़ता है, चरित्र भी बढ़ता है। चरित्र और ज्ञान दोनों का योग होना चाहिए। कहा जाता है कि अरस्तु ने सुख समृद्धि और ज्ञान तीनों को एक साथ रखने के लिए बहुत सारी बातें बतलाई। सिकंदर को भी उसने बतलाया था कि तीनों एक साथ होने चाहिए, सुख भी हो, समृद्धि भी हो और ज्ञान भी हो। ज्ञान तो होता है, सुख और समृद्धि कहां से होगा, वह संयम के पाठ से होगा। संयम का पाठ पढ़ें। आज की हमारी कठिनाई है कि कोर्स का निर्धारण करने वाले बौद्धिक लोग,
बुद्धि बहुत अच्छी भी है और बुद्धि अधूरी भी होती है, बुद्धि का पूरा काम भी नहीं होता। अगर कोर्स का निर्माण करने में बौद्धिक लोग और संयमी लोग दोनों एक साथ बैठते, दोनों एक साथ बैठकर और विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करते तो शायद पाठ्यक्रम जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होता। आज का पाठ्यक्रम पैसा कमाने के लिए तो उपयोगी हो रहा है पर जीवन के लिए उतना उपयोगी नहीं हो रहा है, बड़ी समस्या है। एक बार आचार्य तुलसी राजस्थान में चतुर्मास कर रहे थे, पाली एक औद्योगिक नगर है, वह हमारा चतुर्मासिक प्रवास था। वहाँ कलकत्ता से प्रिंसिपल, कुछ विद्यार्थी, प्रोफेसर, ये सब लोग आए हुए थे। शिक्षा के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी तो चर्चा के दौरान मैंने कहा कि आपका स्कूल कलकत्ता में बहुत प्रसिद्ध है और आप वहाँ प्रिंसिपल हैं, अच्छी पढ़ाई कराते, बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े धनियों धनीपतियों के विद्यार्थी आपके स्कूल में आते हैं, और बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, और आप खूब अच्छा पढ़ाते हैं और पढ़ाई के बाद दुखी जीवन जीने के लिए घर में भेज देते। जैसे ही ये कहा एकदम चौंके कि आप कैसे कह रहे हैं, ये हम दुखी बनाने के लिए कैसे भेजते। तब मैंने कहा कि आप उन्हें पढ़ाते हैं बुद्धि तो तेज हो जाती है, चाकू की धार तो बहुत तेज कर दी, शस्त्र की धार तो बहुत तेज कर दी, ऊपर खोल नहीं है तो धार काटने लग जाती है। बुद्धि इतनी तेज हो गई, तर्क शक्ति इतनी तेज हो गई, अब वह घर में जाता है, घर वालों के साथ रहता है तो व्यवहार की टक्कर होती रहती है, क्यों इधर वह इतनी तेज धार है, खोल ऊपर है नहीं, तो फिर तर्क शुरू होता है। अब बेचारे घर वाले पुराने लोग हैं, इतने तर्क को जानते भी नहीं, और वह इतना तेज तर्क करना शुरू करता है कि उनकी बात भी समझ में नहीं आती। एक विद्यार्थी विद्यालय से पढ़कर आया और खूब गर्मी का मौसम था, जेठ का महीना, तेज धूप, धूप में जाकर खड़ा हो गया। माँ ने देखा कि पसीने से तर बतर हो रहा है, धूप में खड़ा है। माँ ने कहा अरे क्या कर रहा है, छा मैं आ जा, अभी तो धूप में क्या कर रहा है। कि माँ पसीना सुखा रहा। माँ ने कहा कि धूप में पसीना कैसे सूखेगा, कि माँ तुम रोज तो कपड़ा सुखाती हो, धूप में सुखाती हो, अब ये तर्क व्यवहार में नहीं चल सकता। व्यवहार में तर्क का स्थान नहीं है, व्यवहार में तो पारस्परिक मधुरता का, संबंधों का स्थान है, किंतु जब कोरा ज्ञान तो बढ़ता है, तर्क की शक्ति तो बढ़ जाती है, ऊपर ये विवेक का या चरित्र का खोल नहीं होता तो फिर टक्कर होती है। और फिर माता पिता भी कहने लगते हैं, हमारे सामने भी बहुत बार कहते, हमने सुना है कि हमने पढ़ाया था किसी आशा से, आज क्या हो रहा है, वे दुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव नहीं करते। इसलिए बहुत जरूरी है कि ज्ञान के साथ, पढ़ाई के साथ चरित्र का विकास हो, संयम का विकास हो, सीमाकरण का विकास हो। ये सीमाकरण बहुत महत्व का होता है, सीमाकरण, हम हर बात की सीमा करना जाने, सीमा का बहुत मूल्य होता है। असीम होना ये शक्ति की बात नहीं है, असीम तो कोई महाशक्ति हो सकता है, शक्ति वाला आदमी, सामान्य शक्ति वाला ये असीम बनने का प्रयत्न न करे। एक कोई यात्री यात्रा पर जा रहा था, पुराने जमाने में लोग ढाबे चलाते थे, ढाबा, और बहुत सारी महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं ढाबा चलाती थी, तो वे उस बुढ़िया के घर पर गया जहाँ ढाबा चलता था और कहा कि माँ जी मैं भोजन करने आया हूँ। तो उसने कहा आओ करो, भोजन करा दिया।
अब वो बोला कि मैं रात को ठहरना चाहता हूं, तो उसने कहा ठहर सकते हो, ठहर सकते हो, तो क्या लोगी, अब क्या लोगी कि देखो ये खाट है, या सो जाओ चार आना लगे। तब उसने सोचा कि आंगन बहुत बड़ा है, मैं तो नीचे सो जाऊंगा, चार आना क्यों खर्च करूं। उस जमाने में चार आना बहुत बड़ी बात होती थी, आज तो कुछ भी नहीं है, चार आना क्यों खर्च करूं। तब बोला माँ जी मैं तो नीचे ही सो जाऊंगा, खाट की जरूरत नहीं है। कि नीचे सोओगे तो एक रुपये। उसने कहा बड़ी विचित्र बात है कि खाट पर तो चार आना और नीचे सो तो एक रुपया। तो बुढ़िया बोली कि ऊपर सो तो सीमा तो है ना, कि तुम इतना स्थान मेरा रोकोगे, और नीचे सो तो यहाँ सोओगे सुबह वहां तक चले जाओगे, मेरा सारा घर नाप लोगे, यह मुझे नहीं हो सकता नीचे एक रुपया। सीमा का अपना मूल्य होता है, हम सीमा को समझने का प्रयत्न करें, असीम बनने की चेष्टा न करें, असीम बनने का अधिकार भी नहीं है और असीम बनने की हमारे पास शक्ति भी नहीं है। इसलिए सीमा का बोध, शिक्षा के साथ सीमा का बोध हो, जीवन के हर व्यवहार की सीमा, कम सीमा के साथ कैसे चले, इस सीमा बोध के आधार पर ही आचार्य श्री ने अनुव्रत का यह घोष निर्धारित किया था कि संयम है खलु जीवनम। अच्छा जीवन वही है जहां संयम है, सीमाकरण है, जहां कोई सीमा नहीं है वहां अच्छा जीवन नहीं होता, वहां लड़ाई झगड़ा होता है, जहां सीमा स्पष्ट नहीं होती। बहुत सारे खेत ऐसे हैं जहां सीमा साफ नहीं है, तो आए दिन लड़ाइयां चलती रहती है। चार दीवारी घर के बाहर क्यों बनाते हैं, कि सीमा है तो कोई चिंता नहीं, और सीमा नहीं हो तो कोई भी अधिकार कर सकता है और कोई भी लड़ाई शुरू कर सकता है। सीमा, हम हर आदमी को एक सीमा के साथ चलना चाहिए। इसलिए शिक्षा के साथ संयम का पाठ अनिवार्य है, और जीवन विज्ञान के द्वारा उस संयम की शक्ति को, संकल्प शक्ति को जगाने के प्रयोग कराए जाते हैं। केवल पाठ नहीं पढ़ाया जाता, प्रयोग कराए जाते हैं, और प्रयोग के द्वारा हमारे भीतर जो सुप्त शक्तियां हैं वे जागृत हो जाती हैं। हर विद्यार्थी को यह अनुभव करना चाहिए कि मेरे भीतर बहुत शक्ति है, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं दरिद्र नहीं हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है। अगर उस शक्ति को जगाने का कोई मंत्र मिल जाए, उस शक्ति को जगाने का कोई गुर मिल जाए, तो आदमी अपनी शक्ति को जगा सकता है। और वह अगर नहीं मिले तो शक्ति भीतर के भीतर सोई की सोई रह जाती है। यह न माने कि दुनिया में कुछ एक लोग शक्तिशाली होते हैं, बहुत होते हैं, सब नहीं होते फिर भी बहुत होते हैं, पर जिनको गुरु अच्छा मिल गया, अपनी शक्ति को समझाने वाला, शक्ति का बोध कराने वाला और शक्ति को जागृत करने का मंत्र देने वाला, गुर देने वाला, उपाय बताने वाला उपायज्ञ गुरु मिल गया, तो शक्ति हमारी जागृत हो जाती है। और अगर वैसा नहीं मिलता है तो शक्ति सोई की सोई रह जाती है। इसलिए हम फिर इस बात को याद करें कि कोरी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ संयम की पढ़ाई भी चले, अज्ञान को मिटाने वाली पढ़ाई या आजीविका के लिए काम की पढ़ाई, उपयोगी पढ़ाई, और साथ साथ पैसा कमाएं उसका उपयोग कैसे करें, पदार्थ का उपभोग कैसे करें, यह विवेक देने वाली संयम की शक्ति, दोनों का ज्ञान हो तो उस व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है और वह व्यक्ति दुनिया में बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसलिए एक विद्यालयों के एक वाक्य बन जाए कि श्रुत संपन्न बनो और शील संपन्न बनो। कोरे श्रुत संपन्न नहीं, कोरे विद्वान और ज्ञानी नहीं, साथ में शील संपन्न। महावीर की वाणी का इतना सुंदर सूत्र है, सुई संपन्न शील संपन्न। तुम श्रुत संपन्न बनो और साथ साथ शील संपन्न बनो।
कोरा पढ़ा लिखा है अधूरी बात, कोरा आचार निष्ठ है चरित्रवान है पढ़ा लिखा नहीं है तो भी अधूरी बात पूरी कब होती है, कि जो श्रुत संपन्न भी है और साथ साथ शील संपन्न भी है। हम प्रयत्न करें, संकल्प करें कि हमें श्रुत संपन्न और साथ साथ शील संपन्न भी बनना है। ओम अर्थ ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे।